तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ चैनल पर अगर पहली बार जो विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लस दोस्तों में शेयर कर दें ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन आए उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं उन सभी की जो भी रिक्वायरमेंट जारी होगी उन सभी की अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन आए मैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से भी आपको बता सकूँ तो देख सकते हैं सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी सिटी है यूनिवर्सिटी है तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में यानी कि बिहार में है तो देख सकते हैं पर उसकी दो है दो लोकेशंस हैं तो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशंस तो दे सकते हैं पर, और यहां पर जो है जो पटना में है यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है तो यहाँ सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल की है तो दे सकते हैं किस कि डिपार्टमेंट्स में एमबीए है एमसीए है और लॉ डिपार्टमेंट्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी होना चाहिए यूजीसी नेट होना चाहिए प्लस टेन रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कराए हों और पंद्रह साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टू पोस्ट की बात करें तो प्रोफेसर के लिए एम बी एम सी ए लॉ डिपार्टमेंट्स में क्वालिफिकेशन पी एच डी हो यू जी सी नेट हो नेट हो और एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम टेन ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए उसके बाद में हम बात करते हैं एसियोशॉट प्रोफेटर प्रोफेसर एम बी एम सी और लॉ डिपार्टमेंट्स में तो क्वालिफिकेशन पी एच डी होनी चाहिए यूजीसी नेट हो और एक्सपीरियंस आपके पास ए ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एम बी ए और एम सी ए लॉ डिपार्टमेंट्स में क्वालिफिकेशन यू जी सी नेट हो यानी कि पी एच डी कंपल्सरी नहीं रखी है उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में और है तो बहुत अच्छी बात है और एक्सपीरियंस थ्री ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद में लेक्चरार एम बैसी लॉ डिपार्टमेंट्स में क्वालिफिकेशन यू जी सी नेट हो एक्सपीरियंस टू या थ्री ईयर का एक्सपीरियंस तो आप इसमें लिविजन लेक्चरार के लिए एच मैनेजर देख सकते हैं मैनेजमेंट और लॉ डिपार्टमेंट्स में क्वालिफिकेशन एम होना चाहिए मिनिमम फाइव ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं देख सकते हैं मैनेजमेंट एंड लॉ डिपार्टमेंट्स में तो एम होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को वरिता दी जाएगी सीनियर अकाउंटेंट्स मैनेजमेंट एंड लॉ डिपार्टमेंट्स में तो क्वालिफिकेशन बी हो या एक्स एम uh, कॉम हो हैविंग नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और मिनिमम टू ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आप देख सकते हैं नाइन नंबर पर अकाउंटेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन बी कॉम होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए टू ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फाइनेंस मैनेजर की बात करें तो एम कॉम एम बी ए फाइनेंस में होना चाहिए प्लस कंप्यूटर की नॉलेज हो टू ईयर का एक्सपीरियंस हो प्रॉपर मैनेजमेंट लॉ और कंप्यूटर साइंस में एम बी ए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को बारे दी जाएगी एडमिशन काउंसलर की रिक्वायरमेंट रहेगी लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट रहेगी एमली बी लिव थ्री का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्टल वार्डन की रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस टू ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पर तो देख सकते हैं सेंड योर रिज्यूम एंड द अकेडमिक सर्टिफिकेट एंड द पटना सिवान एंड द दंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम आज सर्टिफिकेट डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आईडी, आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो कॉपी दे सकते हैं बैंक पासपोर्ट साइज जो है पासपोर्ट लास्ट थ्री मंथ सैलरी स्लिप बटर आईडी यानी कि जिस जहां पर आपने वर्क किया है वहां पर थ्री मंथ की जो सैलरी है वो आपको दिखानी होगी तो देख सकते हैं के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन देख सकते हैं टेलीफोन कन्वेंस मिलेगा और आपको फेस टू तो फेस इंटरव्यू होगा यानी कि आप तीन स्टेपों से आपको गुजरना होगा यानी कि प्रोसेस सिलेक्शन देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा और आपको जो है फोन पर आपका जो इंटरव्यू होगा फिर आपको फेस टू तो फेस इंटरव्यू होने वाला है तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो तो दे रखा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं नए जो वैकेंसी दे सकते हैं किस लोकेशन से है यूनिवर्सिटी वो है एम यूनिवर्सिटी और यहाँ से जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है फ्लोविंग पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर एज पर द यू जी सी ए आई सी टी ई और डी जी सी नॉम्स के हिसाब से रहने वाली है फॉर द फ्लोविंग डिपार्टमेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी तो दे सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो इंजीनियरिंग में और मेडिकल्स में रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले मीडिकल साइंस है इंजीनियर है नेवल एग्रीकल्चर्स आर्टिकलचर्स है एंड देख सकते हैं फ्योर्स इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग है कम्युनिकेशन

जरूर कर लें प्लस दोस्तों में शेयर कर दें ताकि जैसी को नोटिफिकेशन है उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे क्योंकि इस तरह की जो अपडेट होगी वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगी